प्रभास। जी हाँ दोस्तों, डार्लिंग प्रभास इस टाइम पे लगता है सोशल मीडिया पे एक्टिव ही रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी चर्चाएं हर जगह होती रहे। मतलब वो पता नहीं क्या ही करने वाले हैं इस बार। मतलब कुछ ना, उनका एक अलग ही सीन चल रहा है। और अभी हाल ही में एक दो दिन के अंदर अंदर एक न्यूज निकल के आ रही है कि उन्होंने एक नई फिल्म भी साइन कर ली है, जो कि मारुति डायरेक्टर के साथ इस फिल्म को साइन किया गया है। और इस फिल्म का नाम अभी तक जो रखा गया है वह है राजा ड्यूरेक्स, जो कि अजीब सा नाम है। देखते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसी ये फिल्म होने वाली है, कब तक ये फिल्म हमें देखने के लिए मिलने वाली, इसकी शूटिंग कब तक स्टार्ट होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लास्ट तक बने रहना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना। कमेंट में बताना आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि प्रभास सर की भी जो लाइनअप चल रही है ना, आदि पुरुष, सलार, प्रोजेक्ट के, और उसके बाद थी स्पिरिट। और स्पिरिट के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा, क्या स्पिरिट को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो थी पूजा सेरेमनी हो गई है, मतलब कि प्रभास सर ने इस फिल्म को साइन कर लिया है, यानी कि ये चीज कंफर्म हो गई है कि यह फिल्म भैया अब हमें प्रभास सर की देखने के लिए मिलने ही मिलने वाली है। और इसकी बहुत जल्द शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी बताऊंगा कब से शूटिंग स्टार्ट हो रही है। बट पहले बात कर लेते हैं, एक नई चीज निकल के आ रही है, वह है बायकॉट मारुति फिल्म। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म राजा ड्यूलेक्स जो फिल्म आने वाली है, इसको भी बायकॉट किया जा रहा है। और इसका मेन रीजन क्या है, वह यह है कि डार्लिंग प्रभास जो है एक मेगा स्टार है। अभी कुछ साल बाद देखना आप, वह वर्ल्ड मेगा स्टार हो जाएंगे। वो उनका से जो बोलबाला है वो हॉलीवुड इंडस्ट्री हर जगह फैलेगा। तो उस हिसाब से जो इन्होंने ये फिल्म साइन की है राजा ड्यूलेक्स, वह अभी भी इनके कैरेक्टर में किसी तरह से भी फिट नहीं बैठ रही है। बट दोस्तों मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर उनके फैंस को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने यह फिल्म साइन क्यों की। अगर वह यह फिल्म इस तरह से साइन कर रहा है जिस तरह से अक्षय कुमार करते हैं कि भैया फिल्म आए साइन करो, फिल्म आए साइन करो, तो हो सकता है इनकी करियर का ये ड्रॉप पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अगर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा कुछ कमाल नहीं मचाया, तो फिर प्रभास का जो हाइप बना है आदि पुरुष, प्रोजेक्ट के, सल्लार, आई थिंक फैंस तो उनके साथ रहेंगे, बट जो ऑल अदर लोग हैं उनको फिर पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्म का कलेक्शन मतलब सिलेक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बायकॉट का भी ट्रेंड चल चुका है टॉलीवुड फिल्म्स के लिए भी। अब देखो, अगर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये जो राजा ड्यूलेक्स फिल्म है, इस फिल्म में हमें थोड़ा कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा, और एक्शन थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो जो ये फिल्म है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि प्रभास सर के ऊपर कैरेक्टर पे काफी ज्यादा फिट बैठ रही है। वह आदि पुरुष, सलार, प्रोजेक्ट के कर लेते तीन फिल्में, और स्पिरिट वो धमाल मचा के रख देती है ओवरऑल। मतलब उनका जो चलता है ना, चार चार सालों तक चलता है, बट यह फिल्म अब ले ली है उन्होंने। और इस फिल्म की जो शूटिंग है, मैं आपको बताऊं, नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। जी दोस्तों, बहुत ही जल्द इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि इस फिल्म की शूटिंग भी ज्यादा दिन की नहीं है, मुश्किल से 50 से 60 दिन के अंदर अंदर प्रभास सर का जितना भी कैरेक्टर रोल है इस फिल्म में वह शूट कर लिया जाएगा। और यह फिल्म हमें रिलीज होते कब तक नजर आने वाली है, 2024 के मिड यानी सितंबर या फिर अगस्त में हमें यह फिल्म 2024 में देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है कुछ दिन बाद इसका टाइटल चेंज किया जाए। तो राजा अभी ड्यूलेक्स है इस फिल्म का नाम। अब आप बता दो यार कमेंट में, आप एक्साइटेड हो या फिर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि मुझे सच में, मैं पर्सनली बताऊं, मैं सलार देखना चाहता हूं, आदि पुरुष देखना चाहता हूं, प्रोजेक्ट के देखना चाहता हूं, इनफैक्ट स्पिरिट भी देखना चाहता हूं। और इस फिल्म के कारण स्पिरिट का जो है शूटिंग का वर्क वो होगा थोड़ा डिले। जी हां दोस्तों, स्पिरिट हो सकता है हमें प्रोजेक्ट के बाद देखने के लिए ना मिले, हमें देखने के लिए मिले राजा ड्यूलेक्स फिल्म। आप बताओ आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, और क्या आपको लगता है जो प्रभास सर ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, उस चीज को कमेंट में आप जरूर मेंशन करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।